बिहार के पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक रांची में कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े पूंजीपतियों को बैंकों के माध्यम से लोन दिलवा रहे हैं, वहीं देश के किसानों और छोटे व्यापारियों को लोन दिलाने में असमर्थ है। वहीं एक तरफ जहां किसानों को ऋण माफी की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी ऋण माफी नहीं हो पा रही है। अदानी और अंबानी के ऊपर विशेष ध्यान रखे हुए है और केंद्र की भाजपा सरकार बैसाखी की सरकार चला रही करता तो मेरे लिए कमी रह जाती और आपकी शिकायत रह जाती। इसीलिए कोई राजनीतिक रूप से मैं नहीं आया, मैं एक निजी कार्यक्रम में आया। मैं निजी कार्यक्रम में आया था, लेकिन मैं धृष्टता नहीं कर सका, क्योंकि आप लोग के साथ जो संबंध है उस संबंध में अगर अनुपस्थित रहता और आपके साथ वार्तालाप नहीं करता, संवाद नहीं करता, तो मेरे लिए कमी रह जाती और आपकी शिकायत रह जाती। इसीलिए कोई राजनीतिक रूप से मैं नहीं आया, मैं एक निजी कार्यक्रम में आया, लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो निश्चित तो मैं कार्यालय में आया हूं। तो मैं सबसे पहले तो हेमंत सरकार वापस आई और उनको जेल से बेल भी मिला, तो सबसे पहले मैं हेमंत सोरेन का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि जनता की जो इच्छा थी, जनता की जो शिक्षा थी, उसके अनुरूप वो आए और बीजेपी की जो चाल थी, आरएसएस की जो चाल थी, उस चाल को नाकाम करके हेमंत सोरेन को फिर से आना पड़ा और आए और सरकार बढ़िया से चलेगा। क्योंकि आज देश की स्थिति, लोकसभा चुनाव हो गए, लेकिन उस चुनाव में पराजय से भारत की सरकार उबर नहीं पा रही है। सरकार में जनता ने जो जनादेश दिया, हम विपक्ष में बैठे, वो सत्ता में बैठे, लेकिन सत्ता में बैठे तो जनता के बीच वो गए थे जिन